ठीक है, ये पेज नंबर 8 पर है, एग्जांपल वर्ब एग्जांपल 1। एग्जांपल 1, ठीक है, तो लिखा है द गिवन फिगर शोज द डिस्प्लेसमेंट वर्सेस द टाइम ऑफ अ वेव ट्रेवलिंग टू द राइट विद अ स्पीड ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड। वाट इज द टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव। और नंबर बी, कैलकुलेट द वेव लेंथ ऑफ द वेव। ठीक है, देखिए सवाल को पहले समझ लीजिए। आपको एक तस्वीर बना के दी गई है ऐसे, ठीक है, ये पॉइंट क्या है, 0.1, ये वाला पॉइंट क्या है, 0.3, उसके बाद फिर यहाँ है, इसके बाद क्या है, 0.5, ठीक है, और फिर आगे इन्होंने ऐसे उठा के यहाँ तक 0.7। ये आपको एक वेव दी गई है, इसमें ये किसको शो करता, टाइम पीरियड को या टाइम को, सही है, और ये डिस्प्लेसमेंट को, ये टाइम को शो कर रहा है, ये किसको शो कर रहा है, कौन सा डिस्प्लेसमेंट, सवाल है कौन सा डिस्प्लेसमेंट, वो जो इस मीडियम का मॉलिक्यूल अपने असल मुकाम से ऊपर और अपने असल मुकाम से नीचे तय करता है। वेव तो गुजर रही है ऐसे, सही है, लेकिन जो मीडियम का मॉलिक्यूल है वो क्या हो रहा है, ऊपर जा रहा है और नीचे जा रहा है, तो अपने असल मुकाम से कितनी दूरी पर ऊपर गया और अपने असल मुकाम से कितनी दूरी पर, इसको आपने जाहिर किया हुआ वाई एक्सिस पे ये, और एक्स एक्सिस पे आपने क्या जाहिर किया हुआ, टाइम पीरियड। तो अब आप ये देखो, यहाँ पर 0.1 सेकेंड जब गुजरता है तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, मैक्सिमम होता है, और जब 0.3 गुजरता है, सॉरी 0.1 के बाद 0.3 है, लाजमी यहाँ पे क्या है, 0.2 है, तो 0.2 पर क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हो जाता है, अपने असल मुकाम पर आ जाता है। 0.3 पे डिस्प्लेसमेंट कहाँ चला जाता है, माइनस में, फिर 0.4 है ये 0.5, ये 0.6, 0.7, ये बात क्लियर हो गई। अब हमको सवाल क्या दिया हुआ है, सवाल में पहला सवाल दिया हुआ है व्हाट इज़ द टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव। टाइम पीरियड क्या है, सही है, जबकि इसकी जो वेलोसिटी है, इसकी स्पीड है, जिस स्पीड से वेव जा रही है आगे की तरफ, वो स्पीड आपको दी गई है 4 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो आइए डेटा बनाते हैं, क्या क्या दिया हुआ है डेटा में, क्या दिया हुआ है, स्पीड दी गई है 4 मीटर पर सेकेंड, मालूम क्या करना है, टाइम और फ्रीक्वेंसी, क्या क्या मालूम करना है, टाइम फ्रीक्वेंसी, और बी में क्या मालूम करना है, टाइम भी मालूम करना है, फ्रीक्वेंसी भी मालूम करनी है, और उसकी वेवलेंथ भी मालूम करनी है। ठीक है, अच्छा जी, तो अगर आप इसको गौर से देखें, टाइम पीरियड क्या होता है, एक चक्कर मुकम्मल करने में जितना वक्त वो लेगा, इसे क्या कहते हैं आप, टाइम पीरियड। आपके ख्याल में ये एक वक्त कितना टाइम ले रहा है, ये गई वेव, फिर ये गई वेव, फिर ये गई वेव, फिर यहाँ तक आ गई, ये एक चक्कर मुकम्मल हो गया, एक चक्कर वेव का मुकम्मल होने में कितना टाइम लिया उसने, 0.4। ये बात क्लियर हो गई आपको, इसका मतलब है टाइम पीरियड इसका कितना है, 0.4 सेकेंड। ये आपने कैलकुलेट नहीं किया, बल्कि आपने क्या करा, तस्वीर देखी, तस्वीर देख के आपको अंदाज़ा हो गया कि भाई ये जो एक चक्कर लगा है वेव का पूरा, ये दरअसल कितने टाइम में लगा है, 0.4 में। अच्छा, अब आप जानते हैं फ्रीक्वेंसी क्या होती है, टाइम पीरियड का उलट होती है, ये हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, टाइम पीरियड का उलट,
तो मैं फ्रीक्वेंसी को ऐसे लिखूँ, वन अपॉन टी की जगह पे क्या लिखूँ, 0.4, पॉइंट हटा दिया, ज़ीरो बढ़ा दिया, 4 से 10 को तकसीम करेंगे जवाब आएगा 2.5, 2.5 साइकिल पर सेकेंड। क्या मतलब हुआ, एक सेकेंड में 2.5 चक्कर ले रही है वेव, एक सेकेंड में कितनी वेव बन रही है, 2.5 वेव बन रही है, ये मायने हुए इसके। यानी अगर मैं इसको ऐसे और आगे बढ़ाऊं तो एक सेकेंड में कितनी वेव्स आ जाएंगी, देखो कैसे आपको समझाने के लिए। ये 0.7 है, यहाँ पे क्या होगा 0.,, ये 7 है, ये 0.8 है, और ये क्या होगा 0.9, और ये क्या हो गया 1 सेकेंड। एक सेकेंड में कितनी वेव बनी, ये देखो 1, ये देखो 2, और ये आधी 2.5 बन गई, तो वैसे भी बन रही है। और हमने मैथमेटिक्स से भी यही निकाला जवाब। इसके बाद दूसरी बात क्या मालूम करनी है, लैम्डा, इसकी वेवलेंथ कितनी है, यहाँ से यहाँ तक का फासला कितना है, ये वाला। तो आप जानते हैं कि वेलोसिटी जो होती है वो बराबर होती है किसके, फ्रीक्वेंसी और लैम्डा के मल्टीपल के। ये मैंने पिछली क्लास में आपको बताई थी बात। तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई कर रही है, वहाँ जाकर क्या करेगी, डिवाइड। आप लिखे ऊपर 4, वी की जगह पे क्या लिखा मैंने, 4, और नीचे आ गया 2.5। 4 को ज़रा 2.5 से डिवाइड करें तो आपके पास क्या आ जाएगा, वेवलेंथ। उतारें इसको, मैं वैल्यू पुट करता हूँ जब तक आप उतारें। फोर को डिवाइड करना है 2.5 से, इसका जवाब आ गया 1.6, 1.6 मीटर, ये इसकी वेवलेंथ। उतारिए, ऑफ करें। सेकंड एग्जांपल है आपकी पेज नंबर 9 पे, एग्जांपल सेकंड। मैं पढ़ रहा हूँ, गौर से सुनिए, जहन के अंदर इमेज बनाइए और उसको फिर हम जहन से हल करने की कोशिश करेंगे, तस्वीर भी बनाई। अ फिशरमैन नोटिसेस दैट हिज बोट इज मूविंग अप एंड डाउन रेगुलरली। एक मछेरा है, कश्ती में बैठा हुआ है, लहरें जब आती हैं तो कभी उसकी कश्ती ऊपर जाती है, कभी कश्ती उसकी नीचे जाती है। वो रेगुलरली नोट कर रहा है कि मेरी कश्ती अप एंड डाउन मूव कर रही है, ड्यू टू वेव्स ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। क्योंकि वाटर की सरफेस पे क्या बन रही है, वेव्स बन रही है। तो जब वेव्स आती है तो वो ऊपर चली जाती है कश्ती, जब वेव्स गुजर जाती है तो कभी वो क्रेस्ट में होता है, कभी वो ट्रफ में होता है, कभी नशेब में होता है, कभी वो फराज में होता है। इट टेक्स 4 सेकेंड फॉर द बोट टू ट्रेवल फ्रॉम हाइएस्ट टू द लोएस्ट। ऊपर तरीन से नीचे तरीन, यानी सबसे ऊपर जाने में और सबसे नीचे आने में उसको जो टाइम लग रहा है वो 4 सेकेंड लग रहे हैं। ये बात सामने आ गई, ठीक है। और अ टोटल डिस्टेंस ऑफ 3 मीटर, और ये जो 4 सेकेंड लग रहे हैं उसका जो डिस्टेंस कवर हो रहा है ऊपर से नीचे तक का, ये टोटल कितना है, 3 मीटर है। द फिशरमैन सीज दैट, फिशरमैन ये देखता है कि द वेव क्रेस्ट आर स्पेस्ड 8 मीटर अपार्ट। वेव जो है वो 8 मीटर दूर है, यानी एक जो वेव है और जो दूसरी वेव है उसके दरमियान जो गैप है वो 8 मीटर का है। इस सारी बात को सामने रख कर हम एक तस्वीर बनाते हैं। वो तस्वीर क्या है, ज़रा देखिए गौर से। वो जो मैं अगर आपके सामने सबसे पहले वेव रखूँ, ये वेव आ रही है और यहाँ पर उसकी क्या है, कश्ती है, ठीक है। ये कश्ती कभी कहाँ जाती है और कभी कहाँ आती है, नीचे आती है। तो ये इतना अगर ऊपर जा रही है तो इतना ही क्या आएगी, नीचे यहाँ तक आएगी। समझ में आ रही बात आप? और वो कह रहा है ये जो ऊपर से नीचे तक आ रही है, यहाँ से लेके यहाँ तक आने में टाइम कितना ले रही है, 4 सेकेंड नंबर एक। और इसकी जो लेंथ है टोटल वो कितनी है, 3 मीटर, ये वाली 3 मीटर है, यहाँ से लेके यहाँ तक का फासला, ठीक है। तो मैं S बराबर एक इसके लिख रहा हूँ, 3 मीटर के, ये S है। यहाँ तक बात क्लियर हो गई,
और उसने ये देखा है कि जो एक वेव आती है उसके बाद कौन सी वेव आती है, दूसरी जो वेव आती है इनके दरमियान जो गैप है वो कितना है, 8 मीटर का गैप है। सही, आधे से ज़्यादा मसला तो तस्वीर से हल हो गया। ठीक है, अब अगर मैं इस वेव की सारी प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करना चाहूँ, सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है, एम्पलीट्यूड। अब बता सकते हैं एम्पलीट्यूड तस्वीर में क्या आ रहा है, एम्पलीट्यूड क्या होता है, अपने असल मुकाम से ज़्यादा कितनी ऊपर तक जा रही है, इसे कहते हैं एम्पलीट्यूड। अगर यहाँ से यहाँ तक का फासला 3 मीटर है तो ये फासला कितना होगा, 1.5 मीटर, 1.5 मीटर। तो मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने लिखा एम्पलीट्यूड इज इक्वल टू 1.5 मीटर, ये बात आपको समझ में आ गई, आसान सी बात थी। ठीक है, अच्छा यहाँ से लेके यहाँ तक आने में कितना टाइम लेता है, 4 सेकेंड, और वापस जाने में भी कितना लेगा, तो अपने असल मुकाम से यूँ जाए और जाके वापस आए, इसे कहते हैं एक चक्कर मुकम्मल होना, और एक चक्कर मुकम्मल करने का जो टाइम लेता है उसे कहते हैं टाइम पीरियड। इसका टाइम पीरियड क्या होगा, 8 सेकेंड। कैसे पता चली ये बात, साफ नज़र आ रहा है कि सिर्फ ऊपर से डाउन तक जाने में वो कितना टाइम लेता है, 4 सेकेंड। तो ऊपर से नीचे आने को आप टाइम पीरियड नहीं कहते, बल्कि वापस अपने मुकाम तक पहुँच, एक चक्कर मुकम्मल करने में जितना टाइम लेता है, तो यहाँ से यहाँ तक आने में 4 सेकेंड लगे, वापस जाने में भी कितने लगेंगे, 4 सेकेंड। टाइम पीरियड कितना हो गया, 4 सेकेंड। अच्छा लैम्डा कितना, लैम्डा से क्या मुराद, दो वेव्स के दरमियान फासला, वो फासला पहले से ही दिया हुआ है 8 मीटर। अब क्या बचा, फ्रीक्वेंसी बची, फ्रीक्वेंसी बराबर होती है किसके, 1/ टाइम पीरियड के, 1/ तो 1 की जगह मैंने लिखा 1, टाइम पीरियड की जगह लिखा 8। इसको ज़रा डिवाइड कीजिए, पॉइंट लगा के 0 बढ़ाया और 8 एकम 8, फिर 2 बचे, 8 दूनी 16, फिर 4 बटे 8 में 20, 40, 8 फोर था, फिर जवाब आ गया 0.125 साइकिल पर सेकेंड। इस साइकिल पर सेकेंड को कहते हैं हर्ट्स। ये बात अभी तक हुई नहीं, पहली बार हो रही है, साइकिल पर सेकंड। ये साइकिल पर सेकंड का क्या मतलब है, एक सेकंड में कितने चक्कर लग रहे हैं, इसको आप मुख्तसरन क्या बोलते हैं, हर्ट्ज़, HERTZ, और इसको जाहिर किससे कहते हैं, कैपिटल H और स्मॉल Z से, ऐसे मैं ऐसे भी लिखूंगा और ऐसे भी लिख सकता हूँ कहीं कहीं। ये एक साइंटिस्ट का नाम है, जैसे आपने 9th क्लास में पढ़ा था न्यूटन, फोर्स का यूनिट क्या होता है न्यूटन, न्यूटन जो दरअसल कौन है, एक साइंटिस्ट है, उसके नाम पे रख दिया। बिल्कुल इसी तरीके से ये वाली चीज़ भी इन्होंने इसी के नाम पर रखी, हर्ट्ज। ठीक है, तो एम्पलीट्यूड समझ में आ गया कितना हो गया, कैसे निकला, टाइम पीरियड समझ में आ गया कैसे निकला, वेवलेंथ तो पता चल गया, फ्रीक्वेंसी भी पता चल गई। अब है इसकी वेलोसिटी क्या होगी, वेलोसिटी किसके बराबर होती है, आप जानते हैं वेलोसिटी बराबर होती है लैम्डा इनटू फ्रीक्वेंसी। लैम्डा कितना है, 8, और फ्रीक्वेंसी कितनी है, 0.125। इसको जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे जवाब क्या आएगा, 1 मीटर पर सेकेंड। एक सेकेंड में कितनी वेव जा रही है, मैंने इसको डिवाइड मल्टीप्लाई कर दिया, 8 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, हाँ जैसे 1 को डिवाइड किया था 8 से तो यह आया था, इसको वापस ले जाके वहाँ मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, उतारिए इसे, हो गया सवाल हल, ऑफ करें इसे। ठीक है भाई, अगला हम एग्जाम्पल हल कर रहे हैं पेज नंबर 13 के ऊपर, फाइंड द पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ अ सिंपल पेंडुलम 1 मीटर लॉन्ग एट अ लोकेशन वेयर जी इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड। जी भाई समझ पाए कुछ, एक पेंडुलम है जिसके धागे की जो लंबाई है कितनी है, लेंथ बताइए ज़रा, 1.0 मीटर। देखो कैसे पता चला मुझे,
उन्होंने लिखा है ऑफ अ सिंपल पेंडुलम 1 meter long. 1 meter long का क्या मतलब है? उसका ये जो धागा है पेंडुलम का, ये कितना है? यहाँ से यहाँ तक का फासला, यहाँ से लेके यहाँ तक का फासला 1 meter है, और ये ऐसे हरकत कर रहा है. जब आप इसको ऐसे यहाँ से यूँ छोड़ेंगे तो ये क्या करेगा? ऐसे जाएगा और ऐसे जाके यहाँ मूव करेगा. ठीक है, और ये जहाँ रखा हुआ है वहाँ पर जी की वैल्यू कितनी है? एल तो है 1 meter और जी कितना है? 9.8. मालूम क्या करना है? फाइंड द पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी. आपको टाइम पीरियड भी मालूम करना है, और तो बुनियादी तौर पर आपको दो चीज़ें दी गई हैं. एल बराबर है किसके? 1 meter के, और जी बराबर है किसके? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. और मालूम क्या करना है आपको? टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी. अच्छा, पेंडुलम के टाइम पीरियड का फार्मूला क्या होता है? हम जिस वक्त आपको दायरे की हरकत पढ़ा रहे थे उस वक्त हमने मैच करके बनाया था फार्मूला. जब उसमें हमने कहा था कि वहाँ का कांस्टेंट ओमेगा होता है, जबकि पेंडुलम का कांस्टेंट एल अपॉन जी होता है. तो इसकी वैल्यू आई थी 2π√ एल अपॉन जी. अगर हम इसमें वैल्यू पुट कर दें, 2 की जगह 2, पाई की जगह 22/7, और एल की जगह 1 और इसकी जगह 9.8, और इसको डिवाइड कर लें, मल्टीप्लाई 22 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 44/7 और 1/9.8. अब मैं कैलकुलेटर यूज़ कर रहा हूँ. कैलकुलेटर यूज़ करके सबसे पहले 44 को डिवाइड कर रहा हूँ किससे? 7 से. 44/7 ये आ गया 6.2875. अच्छा, और यहाँ मैं 1 को पहले डिवाइड कर रहा हूँ किससे? 1/9.8, और उसका जो जवाब आया उसका क्या निकाल ले रहा हूँ? स्क्वायर रूट. तो वो निकला 0.3194. अब इसको मल्टीप्लाई करूँ किससे? ये जो वैल्यू आई थी 6.285 मल्टीप्लाई बाय 6.285. दो टाइम पीरियड कितना आ गया? 2 seconds. ये बात क्लियर हो गई? अब आपने टाइम पीरियड निकाल लिया, अब क्या निकालना है? फ्रीक्वेंसी क्या होता है? टाइम पीरियड का उलट होता है. तो फ्रीक्वेंसी किसके बराबर होती है? 1/ टाइम पीरियड के. तो मैं एफ ऐसे लिखूं, 1/ टी की जगह पे क्या लिख दूँ? 2, और जब इसको डिवाइड करूँगा 0.5, तो फ्रीक्वेंसी निकली 0.5 hertz, यानी 1 second में ये आधा चक्कर मुकम्मल करता है. उतारिए.